बॉलीवुड गोल्ड के इस एपिसोड में जानिए किस तरह बिना रिकॉर्डिंग के शूट हुआ था फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियाँ। जब सुपरहिट सदाबहार और सदी के सबसे रोमांटिक गानों की बात की जाती है तो फिल्म ब्लैकमेल के गाने पल पल दिल के पास है का जिक्र जरूर आता है। प्लेबैक किंग किशोर कुमार के गाए इस गाने को आज भी उसी तरह गाया गुनगुनाया जाता है जिस तरह इसे 70 के दशक में गाया जाता था। प्यार के इजहार और इकरार वाले इस गाने के बनने के पीछे की कहानी बेहद अनोखी है, जिससे एक नहीं बल्कि कई किस्से जुड़े हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाना 1973 में आई फिल्म ब्लैकमेल का है, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे सुपरस्टार धर्मेंद्र और राखी। फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद और फिल्म को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने को लिखा था गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने। वहीं किशोर दा की आवाज का जादू एक बार फिर इस गाने के साथ सिर चढ़कर बोलता है। जितना दिलकश ये गाना है उतनी ही दिलचस्प आपको इसके बनने की कहानी भी लगेगी। हुआ कुछ यूं था कि विजय आनंद जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, संगीतकार आनंद जी कल्याण जी के साथ बैठे थे और बात हो रही थी ब्लैकमेल फिल्म के इस एक गाने की। अब गाने को लेकर विजय आनंद का कहना था कि ऐसा लगना चाहिए जैसे चिट्ठियां गाना गा रही हों। इस गाने से असल में ये दिखाना था कि राखी धर्मेंद्र के भेजे खत पढ़ रही है और गाना खत में लिखी बातें बयां कर रहा है। ये सुनकर इस बातचीत से आनंद जी कल्याण जी दोनों ही कुछ उलझन में भी पड़ गए थे कि आखिर ऐसा कैसे दिखा सकते हैं कि चिट्ठियां बातें कर रही हों। अब बातों ही बातों में विजय आनंद ने इस गाने का मुखड़ा कह डाला, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस पर आनंद जी ने धुन भी बना ली, लेकिन अब तक गाना लिख रहे राजेंद्र कृष्ण जी को इस बारे में पता ही नहीं था। अगले दिन आनंद जी ने विजय आनंद और राजेंद्र कृष्ण साहब को बुलाया, तीनों की बैठक हुई। विजय आनंद ने राजेंद्र जी को कहा कि देखिए, मैं गीतकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिल्म के चरित्र क्या संवाद बोल सकते हैं या कौन सा गीत गा सकते हैं इतना जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे बदतमीजी हुई है, कल रात आनंद जी के साथ मुझे मुखड़ा सूझ गया और धुन भी इस पर बन गई है, अब उसे रखना है या नहीं रखना है ये आप तय कीजिए। राजेंद्र कृष्ण जी ने कुछ नहीं कहा और दो घंटे तीन घंटे चुपचाप बैठे रहने के बाद गोल्डी से कहा कि गीत का मुखड़ा वही रहने दो जो तुमने लिखा है, मैं आगे लिख देता हूँ। इसके बाद राजेंद्र जी ने गाने के बाकी अंतरे लिखकर दे दिए। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन शूटिंग के लिए विजय आनंद ऊटी निकल गए थे। बिना गीत के भला गाने की शूटिंग कैसे होती, वहां मौजूद लोग भी यही सवाल कर रहे थे। लेकिन गोल्डी कुछ अलग थे, उन्होंने धर्मेंद्र को गीत के बोल गुनगुनाने के लिए कहा और फिर गाना फिल्माया गया। तो इस तरह से बिना रिकॉर्डिंग के ही पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाने की शूटिंग हो गई। बॉलीवुड गोल्ड के इस एपिसोड में पल पल दिल के पास है गाने के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गीत और संगीत के साथ।